तो आज मिथबस्टर सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे ग्लूटेन के बारे में। ग्लूटेन क्या चीज़ होती है एंड ग्लूटेन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक मिथ को हम लोग आज बस्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि फिटनेस ट्रेंड के साथ चलते हैं एंड जो भी चीज़ें इस ट्रेंड में आती जाती हैं वो लोग उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं या फिर आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक टॉपिक आज हम लोगों ने उठाया है ग्लूटेन। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में जितने भी मिथ्स हैं उनको बस्ट किया है। जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ऑयल पुलिंग एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट था आयुर्वेदा का, उसको हम लोग बस्ट किया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ग्रीन कॉफी बीन्स के बारे में, पानी के बारे में जितने मिथ्स उनको बताया, स्वेटिंग से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उन सभी को मैंने क्लियर किया है एंड आज इसमें हम लोग कवर करेंगे ग्लूटेन के बारे में। सो ग्लूटेन क्या होता है? कई सौ सालों से हम लोग कुछ फूड ग्रेन्स ऐसे हैं जो कि हमारी डाइट का एक अभिन्न अंग है, जैसे कि गेहूं हो गया, वीट। सो वीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर हम लोग उसको डाइसेक्ट करेंगे? सो कार्बोहाइड्रेट, कुछ विटामिंस एंड प्रोटीन। सो ये जो प्रोटीन है वीट का, इसी को हम लोग ग्लूटेन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में डेफिनेटली कि जब भी आप लोग की मम्मी, दीदी या आप लोग खुद जब आटा सानते हो गए, सो उस आटे में जो चिपचिपापन आता है, जो इलास्टिसिटी आती है, वो ग्लूटेन की वजह से ही आती है। एंड जब आप लोग उस आटे की बनी हुई रोटी खाते हो तो वो जो च्यूनेस आती है आपकी रोटी के अंदर, यानी कि वो पाउडर बनके बिल्कुल बिखर नहीं आती आपके मुँह में, सो वो भी ग्लूटेन की वजह से ही होता है। अब ग्लूटेन जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक प्रकार का प्रोटीन है। तो एक तरफ तो जो सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये आप लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोटीन खाइए एंड दूसरी तरफ ये आप लोगों को मना करते हैं कि ग्लूटेन मत खाइए, हालांकि ये भी एक प्रोटीन ही पार्ट है। सो ऐसा क्यों? सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है हम लोग के ग्रेन्स का, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं। एंड ये जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोग हैं, ये मुश्किल से 1-2% लोग होते हैं एंड ये बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, क्योंकि जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट की जो सीलियाक डिसीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही रेयर होती है पर्सन टू पर्सन अगर हम लोग देखें तो, एंड लगभग 100 या 200 में से किसी एक लोगों को होती है, वो भी बहुत मुश्किल से। सो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं वो लोग ग्लूटेन रिच फूड खाएंगे तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो देखिए, जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं यानी कि उनको सीलियाक डिसीज़ जो भी जिसको हम लोग बोलते हैं वो होगी। सो अगर वो लोग ग्लूटेन रिच फूड खाएंगे तो उनकी जो इंटेस्टाइनल वॉल होगी, उसमें जो वीली होती है जिसको हम लोग लाइनिंग बोलते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको बेली पेन, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, वेट लॉस और भी काफ़ी तरह की अलग अलग चीज़ें और अलग अलग बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। और लॉन्ग टर्म में जो लोग सीलियाक डिसीज़ से या फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंट के डिसीज़ से प्रभावित हैं, वो लोग अगर ग्लूटेन रिच फूड खाते हैं लंबे समय तक उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, तो उनकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है, इरोड होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप लोग और भी जितने भी खानों के न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब एब्जॉर्ब करना बिल्कुल कम कर देते हो एंड धीमे धीमे ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। तो क्या इसका मतलब ग्लूटेन ख़राब है या ग्लूटेन हम लोग को खाना ही नहीं चाहिए? जी नहीं, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कुछ ऐसे रेयर कंडीशंस होती हैं किन्हीं लोगों में जिन लोगों को ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है एंड ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जेनेटिक होती है, मतलब कि अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी को है ये चीज़ तो वो ये चीज़ आपके में भी आएगी, या फिर किसी क्रोनिक एक्सीडेंट या फिर क्रोनिक या फिर किसी बड़े ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें आप लोग के सडन अकर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा बहुत ही रेयर है किसी भी नॉर्मल पर्सन में ग्लूटेन इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम होना। ग्लूटेन रिच जो फूड होते हैं वो सिर्फ गेहूं ही नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, जैसे कि बारले हो गया, राई हो गई, तो इन सब चीज़ों में भी ग्लूटेन होता है, और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। इनसे बनी जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी ग्लूटेन डेफिनेटली होगा ही होगा। तो क्या ग्लूटेन हम लोग को छोड़ देना चाहिए या ग्लूटेन खाने से ये सब प्रॉब्लम हो सकती है हम लोग को? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं है, जो डिसीज़ मैंने आप लोग बताई ग्लूटेन इंटॉलरेंट अगर आप लोग नहीं हो, सो ग्लूटेन खाने से आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। एंड ये जो ट्रेंड चलता है ना, मैंने आप लोग बताया वीडियो की शुरुआत में ही, इस ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि ग्लूटेन फ्री डाइट को
प्रमोट कर रहे हैं एज अ वेट लॉस डाइट, या फिर वो लोग ग्लूटेन फ्री या ग्लूटेन रिच जो डाइट है उसको लिंक करते हैं, ग्लूटेन फ्री नहीं ग्लूटेन रिच जो डाइट है उसको लिंक करते हैं आपके थायराइड से, आपकी पीसीओडी से, आपकी जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उससे, आपके मेंटल डिसऑर्डर्स और भी काफ़ी सारी बीमारियों की वजह ये ग्लूटेन को ही बताते हैं। जैसे मैंने आप लोग बताया कि कुछ ऐसे रेयर कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे रेयर लोग होते हैं, मतलब इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनके अंदर ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, एंड वो जब होती है तो वो आपको बचपन से ही पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आप लोग बड़े हुए आप लोग का पेट खराब हो गया है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई, कुछ दो तीन वीडियो देखे आप लोग ने उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप लोग ने गेहूँ खाना ही छोड़ दिया, ग्लूटेन फ्री डाइट पर आप लोग चले गए। देखिए ये चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप लोग बचपन से गेहूँ खाते हुए आ रहे हो, ग्लूटेन रिच फूड खाते हुए आ रहे हो एंड सडनली आप लोग ने कहीं देखा एंड आप लोग ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले गए फॉलो करने लगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कुछ काम धंधा है नहीं उन लोग को, सो ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर वेट लॉस, ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर ये, ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर वो। देखिए सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझिए कि ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाने के लिए आप लोग जितने भी ग्रेन्स हैं मेले जिनका तो ग्लूटेन है वो छोड़ना पड़ेगा। सो ग्रेन्स खाना जब आप लोग छोड़ दोगे तो बचा क्या, ये दाल और सब्जियां, सो उन पे आज जब आप लोग जीवित रहोगे डेफिनेटली आपको वेट लॉस तो होगा ही होगा। सो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस हम लोग को समझ नहीं आता है, या फिर जो यूट्यूबर्स ग्लूटेन फ्री डाइट प्रमोट कर रहे हैं इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि वो आप लोग को बताते हैं कि इससे थायराइड होता है, इससे पीसीओडी क्योर होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ग्लूटेन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, तो इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि ग्लूटेन एक प्रोटीन है आपके जो ग्रेन होता है उसका, एंड ये जो ग्रेन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं आप लोग के लिए। एंड जो सीलिया डिसीज की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आप लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो जाते हो वो बहुत ही रेयर कंडीशन है, कुछ ही लोगों को होती है, अचानक से नहीं होगी। आप लोगों को अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है एंड आप लोग ये सोच रहे कि वो ग्लूटेन की वजह से है तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। एंड अगर आप लोग ने ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू कर दी सो ये आप लोग के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आगे चल के, क्योंकि अगर आप लोग लंबे टाइम तक ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करोगे बावजूद इसके कि अगर आप लोग कोई बीमारी नहीं है एंड उसके बाद जब आप लोग ग्लूटेन पर जाओगे वापस तो वो चीज़ डाइजेशन होने में आप लोग को प्रॉब्लम होगी। बाकी जो मिथ है वो मैंने आप लोग क्लियर कर दिया कि वेट लॉस बाकी थायराइड पीसीओडी इन सब तक कोई इसका लिंक नहीं है। जो लिंक था मैंने आप लोग बता दिया, वो कंडीशन होती है जो कि ग्लूटेन से नहीं होती है, वो कंडीशन ऐसी होती है कि ग्लूटेन उन लोगों के लिए प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था, कुछ ज़्यादा बताने को था नहीं आप लोगों को, लेकिन ये मिथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एंड मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्लूटेन फ्री नाम से बेची जा रही हैं एंड ग्लूटेन फ्री जो है वो सामान प्रमोट हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, धन्यवाद।